हेलो दोस्तों, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में बना भव्य राम मंदिर दुनिया भर में चर्चा में है। मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। फिलहाल मंदिर की तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या नगरी यूं ही खास नहीं है, बल्कि इस नगर से विशेष धार्मिक महत्व भी जुड़े हैं। इसीलिए तो अथर्ववेद में इसे देवताओं का स्वर्ग बताया गया है। सरयू नदी के किनारे बसा यह पवित्र नगरी अयोध्या को स्कंद पुराण में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों की पवित्र स्थली कहा गया है। अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताते हुए इसकी तुलना स्वर्ग से की गई है। इतिहासकारों के अनुसार कौशल क्षेत्र की प्राचीन राजधानी अवध को बौद्ध काल में अयोध्या और साकेत के नाम से जाना जाता था। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। जैन धर्म के अनुसार आदिनाथ सहित 5 तीर्थकरों का जन्म यहीं हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध यहाँ कई महीनों तक रहे थे। दोस्तों, भगवान राम के पूर्वज सूर्य के पुत्र मनु ने अयोध्या की स्थापना की, जहां से सूर्यवंशी राजाओं ने महाभारत काल तक शहर पर शासन किया। यहीं पर भगवान श्री राम का जन्म दशरथ के महल में हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में अयोध्या के सौंदर्य और महत्व की तुलना इंद्रलोक से की है। वाल्मीकि की रामायण में भी समृद्ध अनाज और रत्नों से भरी अयोध्या की अतुलनीयता और अयोध्या में गगनचुंबी इमारतों का वर्णन है। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान श्री राम के जल समाधि के बाद कुछ समय के लिए अयोध्या वीरान हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल ज्यों का त्यों बना रहा। भगवान राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर राजधानी अयोध्या का निर्माण किया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियां तक अंतिम राजा महाराजा बृहद्रथ तक इसका अस्तित्व बना रहा। कौशल राजा बृहद्रथ महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों मारे गए। महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या वीरान हो गई, लेकिन श्री राम की जन्मभूमि का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद उल्लेख मिलता है कि लगभग 100 वर्ष ईसा पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार खेलते हुए अयोध्या आए थे। थके हारे उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के तट पर एक आम के पेड़ के नीचे अपनी सेना के साथ आराम करने का फैसला किया। उस समय वहां घना जंगल था, यहां आबादी भी नहीं थी। महाराजा विक्रमादित्य ने इस भूमि में कुछ चमत्कार देखे। फिर उन्होंने खोजना शुरू किया और आसपास के योगियों और संतों की कृपा से उन्हें पता चला कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश पर सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ साथ कुएं, तालाब, महल आदि बनवाए। कहा जाता है कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के पत्थर के 84 खंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों, यह मंदिर कई सालों तक विराजमान रहा। उसके बाद 1527-28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और इसके स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। अंततः सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर से वह मंदिर बनकर तैयार हो गया और उसकी स्थापना 22 जनवरी को है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।